स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने करेंगे नेचर ऑफ द प्रोफेशन। कल आपने सीखा नेचर ऑफ द बिजनेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। आज हम सीखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है, कल हमने आपको बताया था कि प्रोफेशंस के अंदर एक स्पेशल नॉलेज होल्डर पर्सन प्रोवाइड द सर्विसेज टू द अदर्स एंड गेट मनी। एक व्यक्ति जो पहले अपनी नॉलेज गेन करता है, उस नॉलेज में परफेक्ट हो जाता है, उसकी डेप्थ नॉलेज हो जाती है, और फिर उस डेप्थ नॉलेज को वो दूसरों को प्रोवाइड करता है इन द शेप ऑफ सर्विसेज, और उसके बदले में पैसे कमाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास मिलेंगे। एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक लेक्चरर है, एक लॉयर है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोफेशनल। एक डॉक्टर है, सबसे पहले अपनी डिग्री हासिल करता है, पूरी एजुकेशन हासिल करता है, पूरा ट्रेनिंग लेता है एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के नीचे, और फिर वो अपना प्रोफेशन शुरू करता है और लोगों की सेवा करता है, लोगों की जान बचाता है, लोग उसको भगवान मानते हैं और वो उसके बदले में पैसे लेता है। आज कोरोना की महामारी चल रही है तो इसमें कितने डॉक्टर कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं और कितने लोगों की जान बचा रहे हैं, तो लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं और उनका भगवान की तरह आदर करते हैं। तो ये है बच्चों हमारा प्रोफेशन। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स में हम करेंगे बॉडी ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। एक प्रोफेशनल व्यक्ति को एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले उसकी एजुकेशन गेन करनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर प्रैक्टिस कर करके ट्रेनिंग ले लेकर फिर उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो अपने प्रोफेशन को दूसरों के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और जितना अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। आपने कॉमर्स ज्वाइन की, बहुत अच्छा डिसीजन है, और इसमें आप लोग थोड़े से दिनों के बाद सीए बन जाते हो, और सीए बनने के बाद लोगों को डिफरेंट टाइप की नॉलेज देते हो, हाउ टू सेव द टैक्स, हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, हाउ टू टेकन द लोन फ्रॉम बैंक, और उसके लिए आप उनके अकाउंट ऑडिट करते हो, उनको अच्छी बैलेंस शीट बना के देते हो, तो लोग उसके बदले में आपको काफी पैसे देंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला काम। दूसरा, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ द एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल व्यक्ति बनने के लिए आपका एक फॉर्मेट है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही आपको एक ज्ञान हासिल करना पड़ता है। अब आप सोचो कि हम सीधे सीए बन जाएं, इट कांट पॉसिबल। तो आपको सीए बनने के लिए सबसे पहले कॉमर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर प्लस वन टू कॉमर्स में आपको अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा होता है सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का कोर्स क्लियर करना पड़ेगा, और जैसे ही आप वो पेपर क्लियर कर जाते हो तो फिर आप सीए के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल, और फिर आप लोग सीए के ग्रुप पूरी तरह से पास करने के बाद आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ द सीए आप फुल फ्लेश्ड सीए कहलाओगे, और आपके पास पावर आ जाएगी किसी कंपनी के अकाउंट ऑडिट करने की। दैट इज द वे, दैट इज द प्रोसेस। हर एक व्यक्ति को इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एमबीए हो। इसके बाद होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इस प्रकार के प्रोफेशनल व्यक्ति को अपनी डिग्री लेने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन इंस्टीट्यूशन से आपको डिग्री लेने के बाद ही, आपके पास सर्टिफिकेट्स आने के बाद ही आप प्रोफेशन करने के कामयाब होते हो, अदरवाइज नहीं। अब आप ऐसे नहीं कि आप सीधा ही एक दुकान खोल लो और लोगों को ट्रीटमेंट देने लग जाओ, लोगों को इंजेक्शन लगाने लग जाओ, मेडिसिन प्रोवाइड करने लग जाओ, नहीं। मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उससे आपको MBBS, MD, DM और
डिग्री लेनी पड़ेगी सर्जन की, और डिग्री लेने के बाद ही आप लोग डॉक्टर के प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेक्चरर बनना चाहते हैं, आपको एमकॉम करनी पड़ेगी, एमफिल करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, और वहां से आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर ही आप लोग लेक्चरर बन सकते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए हमारे ये ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है। वहां से आप आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट्स, आफ्टर गेटिंग ए डिग्री, यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन, अदरवाइज नो। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे पास हर एक प्रोफेशन व्यक्ति के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? नियमावली। जैसे यू आर द स्टूडेंट्स, आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर कोड ऑफ यूनिफॉर्म लागू होता है कि आप स्कूल में जाओगे तो आपको इस स्कूल की ये यूनिफॉर्म डाल के जानी पड़ेगी। ऐसे ही डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है। ऐसे ही लॉयर है, वो अपने कोर्ट में किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो उन्हें एक पर्टिकुलर अपनी यूनिफॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा और अपने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा अगली करेक्टरिस्टिक है प्रायोरिटी ऑफ द सर्विसेज ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति, एक हम एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर्स का, कि डॉक्टर्स की पहली ड्यूटी बनती है अपने पेशेंट की जान बचाना, इसीलिए लोग उसे भगवान मानते हैं, उसे नंबर वन पर प्रोवाइड द सर्विसेज एंड सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन, और सेकंड नंबर पर उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए पैसों को। परंतु आप लोग देख रहे हो सभी देशों में, हमारे देश में ज्यादातर ये महामारी चल रही है कोरोना की, और इस महामारी में डॉक्टर लोग पेशेंट का खूब फायदा उठा रहे हैं और उनसे मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, कभी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तंग किया जा रहा है और उनसे पैसे पहले इट्ठे जा रहे हैं, उनकी जान के बारे में बाद में, तब भी उनकी पूर्ति नहीं हो रही, फिर मेडिसिन में कमाई की सोचते हैं, फिर उनके ऑर्नामेंट्स को सेल किया जाता है। इट्स टोटली रॉन्ग। अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो उसका काम इस समय एक भगवान के रूप में है और उसका काम है लोगों की जान बचाना, चाहे वहां से उसे पैसे मिले या ना मिले। हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो फ्री में भी सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। जो उनके पास अपना पैसा है उस पैसे को भी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो हर एक प्रोफेशनल व्यक्ति की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हो और सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए टू प्रोवाइड द सर्विस टू अदर एंड देन गेट मनी। दैट्स ऑल।